नमस्ते सत श्री अकाल। हेलमेट हेलमेट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके सिर के लिए और आंखों के लिए अगर आप कोई नकली हेलमेट ले रहे हो। तो आपको मैं आज की न्यूज में बताऊंगी कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हेलमेट लेते वक्त। हमारे साथ बने रहिए, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेडजे न्यूज में। गाइस हेलमेट तो हम जब बाहर जाते हैं तब हम बाइक पे जाते हैं तब हेलमेट पहनते ही हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जब वो हेलमेट खरीदते हैं अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं खरीदते। ज्यादातर लोग हेलमेट इसलिए खरीदते हैं कि उनका चालान ना कट जाए, और उसी के साथ बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं। गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास कभी हेलमेट नहीं होता तब रोडों पे चलते हुए आपको हेलमेट के एक स्टॉल दिखाई देते हैं जो कि लोग उसको रोड पे लगा के हुए बैठते हैं, और उन दुकानों पे उन शॉप्स पे और बाकी की भी जो मार्केट में शॉप्स होती हैं उन शॉप्स में भी आपको आसानी से 100 से 300 रुपए तक का आपको हेलमेट मिल जाता है। और यहाँ तक की बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर भी आगे भी ये बात है कि उन हेलमेट्स के ऊपर भी ISI का भी स्टिक का लगा दिया जाता है कि जो लोग कुछ पसंद करते हैं अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेना उन लोगों को भी धोखा दे दिया जाता है, क्योंकि यही एक स्टिकर है जिससे माना जाता है कि हेलमेट बहुत ही स्ट्रांग है और अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई तो हमारा सर बच सकता है उस चीज से, क्योंकि सर ही काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। पर यहीं पर ऐसी चीजें हो रही है कि आप लोगों को ऐसे हेलमेट सेल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके सर और आंखें बच नहीं सकती। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तब उस वक्त वो हेलमेट सबसे जल्दी ही फूट जाता है। और आजकल मार्केट में ऐसे हेलमेट्स आ गए हैं जो कि लोग पहनना तो पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि सुरक्षा है, इसलिए कि उनको फैशन लगता है। वो चीज राउंड वाले आ गए हैं और भी बाकी अलग अलग तरीके से आ गए हैं, क्योंकि अगर फुल कवर कोई हेलमेट है तो वो लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे कि हेलमेट हम पहनते हैं, अगर कोई अच्छी क्वालिटी का हम हेलमेट पहने तब उसके ग्लास हमारी आंखों को भी बचाता है और उसके साथ साथ धूल लगने से भी बचाता है, धूल आंखों में जाने से बचाता है, और धूप से हमारी स्किन जो बर्न होती है उससे भी वो हेलमेट हमें बचाता है। पर इसी तरीके से हमारी मार्केट में ऐसे हेलमेट्स आ चुके हैं जो कि बिल्कुल नकली हैं और वो लेने से आप खतरे में पड़ सकते हैं। वैसे ही आप अगर नकली हेलमेट खरीदते हो जो कि 100 और 300 रुपए में आपको आराम से मिल जाता है, उसमें UV प्रोटेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पे अगर आप वो हेलमेट ले रहे हो और आप जा रहे हो, जाते वक्त आप अपनी आंखों को कवर करने के लिए वो ग्लास लगा रहे हो तो उस वक्त उसका कोई भी फायदा नहीं होता। आपको रिफ्लेक्शन पड़ती है सामने वाले बंदे के, अगर रात को जा रहे हो तो आपको सामने वाले गाड़ी की लाइट आपकी आंखों में पड़ जाती है जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। और उसी के साथ अगर आप ओरिजिनल हेलमेट खरीद रहे हो तो उसमें यूवी प्रोटेक्शन को टेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप वो हेलमेट ले रहे हो तो उसकी ही वजह से आपकी आंखों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आपका सर भी बहुत सेफ रहता है। अगर हम आपको बताएं कि आपको नकली हेलमेट में कैसे पहचान करनी है, तो आपको बता दें कि अगर आप शॉप्स पे हेलमेट खरीद रहे हो और उस हेलमेट पे ISI का मार्क भी है, मतलब कि स्टिकर भी है, तो और वही हेलमेट आपको 100 और 300 की रेंज में मिल रहा है तो वो हेलमेट बिल्कुल भी सही नहीं है, वो नकली हेलमेट है। वो क्यों नकली हेलमेट है? क्योंकि ISI की कंपनी को जब ये हेलमेट बनाना पड़ता है तब उनको बनाने में ही 450 रुपए का खर्चा आता है, और वो ही उसके ऊपर जब वो मार्केट तक पहुंचता है तब वो आपको जो ओरिजिनल वाला होता है आपको 1000 रुपए की रेंज में मिलता है। और भी आगे आगे रेंज बढ़ती है, अगर आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चाहिए उस कंपनी का तो आपको 300 रुपए में तो नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रेट में मिलेगा। कुछ लोग इस चीज को फैशन मान लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ चलान कट ना हो उसके लिए ऐसे वाले हेलमेट ले लेते हैं। सो गाइज अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है और हमारे पीछे हमारी फैमिली होती है और हमेशा ही वो आपका इंतजार कर रही होती है कि आप गए हो और आप कब आओगे। तो उस वक्त के लिए आपके लिए अपनी फैमिली के लिए आपको सेफ्टी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छे से अच्छा क्वालिटी का हेलमेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे ज्यादा होते हैं पर चलता भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कम क्वालिटी
पलटी कर लेते हो तो वो भी जल्दी टूट जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीजों को और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। अगर आज आपको हमारी आज की न्यूज अच्छी लगी है तो जाते जाते कमेंट करते हुए जरूर जाइए, एक लाइक करते हुए भी जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।